बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषि मित्र अनुपम तिवारी। और हर बार की तरह आज है रविवार और शाम के बज गए हैं 7। और 7 बजे हम क्या करते हैं, 7 बजे हम लेके आते हैं आपका पसंदीदा शो बात पते की, जिसमें हम आपके हित की बात करते हैं और वही मुद्दे उठाते हैं जो आप हमसे या तो हमारे ऐप पे बोलते हो या फिर इस वीडियो के माध्यम से हमें बताते हो कि इस बार हमें इस बात की जानकारी आपसे चाहिए। तो इससे क्या फायदा होता है, सबसे अच्छा फायदा तो इसका ये है कि जो अभी तत्काल की जानकारी है या तत्काल के विषय है जिसपे आप लोग हमसे जानकारी पाना चाहते हो, हम उसी की बात करते हैं। तो जो भी बात इस शो में होती है, बात पते की में होती है, वो अभी की होती है। तो किसान भाइयों, पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि बुआई का सीजन आ रहा है, तो अगर आप बीज खरीदेंगे तो बीज खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर बीज का उपचार कैसा करना चाहिए, इससे रिलेटेड जितने हमारे किसान भाई थे उन्होंने काफी इस जो हमारी मुहिम थी, हमारी मुहिम में हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमारा वीडियो लाइक किया, शेयर किया, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही हमारी ऐप पे उन्होंने हमें ये बताया कि अब हमने बीज तो ले लिया, बीज उपचार की भी बात कर ली, तो अब उन्हें हमसे ये जानना था कि बुआई का सही तरीका क्या होता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बुआई का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या होगा और साथ में ही सब्जियों की जो आप नर्सरी लगाओगे वो नर्सरी कैसे आपको लगानी चाहिए, लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उस नर्सरी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो ये दो मुख्य मुद्दे हैं जो हम आज कवर करेंगे, जिसमें पूरी जो बुआई है वो आपके लिए जो मेन मेन मुख्य मुख्य बातें हैं उसकी, जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो आपके पास आ जाएंगी। तो वह शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो ऊपर जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा इसको जरूर दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम ऐसा नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आज की बहस की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं कृषि नेटवर्क टीम के, हमारे साथ प्रियंका जी हैं, मनिंदर जी हैं, गगन जी हैं, आशीष जी हैं और स्वाति जी हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा प्रियंका जी से। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि रबी की मुख्य फसलें कौन सी होती हैं और किन किन प्रकार की होती हैं जो इस सीजन में किसान उगाएगा। जी अनुपम जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। रबी फसलें सामान्यतः जो अक्टूबर या नवंबर के महीने में बोई जाती है, इन फसलों को रबी फसल कहा जाता है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते वक्त खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता रहती है। रबी फसल में कठिया गेहूं, देशी चना, मसूर, अलसी और सरसों की बुआई में बहुत कम पानी लगता है। रबी फसलों में बोई जाने वाली अनाज दलहन तिलहन यदि देशी प्रजाति की हो तो सूखा सहन करने की क्षमता इनमें खरीफ फसलों के मुकाबले बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए ये जो रबी फसल है इसके साथ विकल्प होने से खराब फसल होने की संभावना भी बहुत कम रहती है, क्योंकि बारिश की वजह से खरीफ के मौसम में हो वो फसलें बड़ी जल्दी से खराब हो जाती है और इन फसलों में उनके मुकाबले ये संभावना काफी कम रहती है। और अगर इन फसलों का वर्गीकरण देखा जाए तो जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो हमारे भारत देश में जो रबी फसलें ली जाती है वो है गेहूं, जौ, जई, तोरियां, मसूर, रबी राजमा, चना, अलसी, कुसुम और रबी मक्का, ये अनाज किस रूप में ली जाती है। और तिलहनी में सरसों और राई, ये दो फसलें ली जाती है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में मटर, आलू, मशरूम, फूलगोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, पालक आदि जैसे कई सारी सब्जियां भी ली जाती है। जी प्रियंका जी, तो ये सब जो है इस सीजन में जो किसान सब्जियां लगाएगा वो मुख्य सब्जियों में से एक है। अब मनिंदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो किसान भाई बुआई करते हैं पारंपरिक तरीके से वो बुआई कर रहे होंगे, लेकिन बुआई करने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। जी अनुपम जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी किसान भाइयों को बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो अगर हम बात करें बुआई के लिए, तो जैसे आपने पिछली वीडियो में बात की थी उसमें जैसे सीड ट्रीटमेंट मेन था और सीड की जो वैरायटी है वो एक अहम भूमिका निभाती है, जिससे किसानों को लास्ट में यील्ड में काफी फर्क पड़ता है और जो बीच में पड़ने वाली बीमारियां हैं उससे भी काफी हद तक राहत रहती है। और उसके बाद अगर हम बात करें बुआई कैसे करनी चाहिए, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें पहले खरपतवार ना हो तो उसके लिए खेत को अच्छे से
तैयार करना चाहिए, उसको अच्छे से हैरो से या कल्टीवेटर से तैयार करना चाहिए, और जो पिछली फसल के अवशेष है उसको खेत से बाहर निकाल के उनका समाधान करना चाहिए, ताकि जो इस फसल में उनका कोई प्रभाव ना पड़े। और इसके बाद अगर खेत तैयार हो जाए तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, जो पहले से खरपतवार नाशी हम डालते हैं, उसका प्रयोग किसानों को अच्छे से करना चाहिए, ताकि जो जड़ी बूटी या खरपतवार है उनका बीच में उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े। और इसी के साथ साथ जो बाद में आप बात करें, जो किसान भाई जैसे सीड कम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जैसे बुआई के साथ साथ खाद का भी प्रयोग करते हैं, वो मशीन से करते हैं आजकल के जो समय में, तो उसमें पहले खेत में जाने से पहले हमें उसको अच्छे से टेस्ट कर लेना चाहिए, उसमें से जो बीज है वो समान दूरी पर गिर रहा है या सही समय पर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, ये खेत में जाने से पहले ही उनको चेक करना चाहिए, और खेत में जब ये मशीन चल रही हो तब भी उसका ध्यान में रखना चाहिए, सही तरह से वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये चीजों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। और जो पुराने अवशेष हैं उनको भी अच्छे से आप खेत से बाहर उनका समाधान करना चाहिए। और जो सबसे जरूरी बात आती है वो है खेत में नमी या मॉइस्चर कैसा है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, सही मॉइस्चर पर ही बिजाई करनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें जो टाइम ऑफ सोइंग है, अगर समय की बात करें, जैसे हम गेहूं की बात करते हैं, तो उसमें अगर 15 नवंबर से थोड़ा भी एक हफ्ते का डिले हो जाए तो अपने जो उत्पादन है उसमें 2 से 3 क्विंटल का फर्क आता रहता है हर हफ्ते के बाद, तो इस तरह से किसानों को ध्यान रखना चाहिए, जो प्रॉपर समय है उस समय पर ही बिजाई करें, तो ये मुख्य बातें हैं जिसमें किसान ध्यान दे सकते हैं। जी मोटा मोटा मैं बोलूं तो सबसे पहले बीज की क्वालिटी बहुत अच्छा होनी चाहिए, बीज उपचारित होना चाहिए, जमीन का सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए उन्हें किस टाइम पे डाल रहे हैं, नहीं तो उत्पादन पे बहुत फर्क आता है, और जो बुआई है वो वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। अब आशीष जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए दो तरह से बुआई होती है जितना मुझे पता है, एक होती है छिड़काव विधि जिसमें बीज आप छिड़क के रख देते हैं, और एक होती है जो आजकल प्रचलित है वो ये है कि एक लाइन में क्रम के साथ सही जगह देकर और सही बीच में सारे बीजों के गैप देकर बीज डाले जाते हैं, तो ये दोनों पद्धतियां क्या हैं और कौन सी अच्छी है, इस बारे में जरा बताइए। जी अनुपम जी नमस्कार, और किसान रोड के माध्यम से सबसे पहले किसान भाई को नमस्कार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जैसा कि महेंद्र जी ने बताया और प्रियंका जी ने बताया रबी फसलों के बारे में, कौन सी मुख्य फसल है, महेंद्र जी ने बताया कि फर्टी सीडिल या जीरो टिल या सीडिल से हम बुआई करते हैं तो उसके क्या लाभ है, तो अनुपम जी मैं उसमें बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि जो पद्धति होती है एक जो पुराने समय से करते चले आ रहे हैं किसान भाई छिड़कवा बोते हैं, और दूसरी पद्धति आई है जीरो टिल पद्धति से बुआई करना, एक और होता है सीड ड्रिल मशीन, 30 सीड ड्रिल को बोलते हैं। तो छिड़कवा विधि में जो हमारा बीज है, बीज की मात्रा हमारी 15 से 20 किलो अगर आप समय से बुआई कर रहे हैं तब अधिक लगती है, अगर आप लेट बोएंगे तो मांग चलिए 25 से 30 किलो बीज अधिक लगता है, एक पहला अंतर ये है। और जब हम मशीन से बुआई करते हैं तो हमारा उसका जो सीड रेट है फिक्स है, उसका जो उसमें दो बॉक्स होते हैं, एक फर्टिलाइजर का बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है सीड का, 40 किलो बीज पड़ता है एक एकड़ में 40 किलो। आओ आप किसान भाई तो बता दें कि वो एक एकड़ में क्या एक बीघे में वो सीधे सीधे 50 किलो की बोरी डालते हैं, तो 10 से 12 किलो 15 किलो का बीज का फर्क ये आ गया। दूसरी चीज जो जमाव होता है सीड और खाद का जो प्रॉपर प्लेसमेंट होता है हमारे खेतों में, उसका समुचित उपयोग, बीज क्या हमारा डीएपी कहीं और गिरता है और बीज कहीं और गिरता है, तो डीएपी क्या है, डीएपी जो हम डाइअमोनियम फॉस्फेट डालते हैं, जब तक वो हमारे बीज के कॉन्टेक्ट में बीज के संपर्क में नहीं आएगा तो हमारा डीएपी यूजलेस हो जाता है, वो प्रयोग में नहीं हो पाता है। तो जब मशीन से बुआई करते हैं तो पहले डीएपी हमारा गिरता है, फिर उसके सराउंडिंग में आसपास 2 से 3 सेंटीमीटर के रेंज में हमारा बीज गिरता है, जिससे बीज हमारा जैसे ही मॉइस्चर पाता है उस डीएपी को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको न्यूट्रिएंट को पूरा पूरा अब्जॉर्ब करके मैच करता है, उससे जमाव अच्छा होता है। दूसरी चीज क्या है, जो खेत की तैयारी करते हैं हम, अगर हम मशीन से नहीं बुआई करते हैं
और समान तरफ बुआई करते हैं, धान काटने के बाद एक पानी देते हैं, कम से कम दो जुताई करते हैं, इसमें 2 से 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत होती है किसान की। और किसान के लिए 2 से 2500 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसके लिए 1 हेक्टेयर का बीज ही इतने में आ जाता है। तो जो मशीन की बुआई करते हैं तो उससे एक ये भी फायदा है, तो सबसे बड़ा फायदा है जमाव प्रतिशत। आप किसान भाइयों, आप जो छिड़काव से बुआई करते हैं, जब आप छिड़कते हैं उसमें हमारा 10 से 12% बीज मृदा के ऊपर रह जाता है, मिट्टी के ऊपर। कभी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बुआई करते हैं तो चिड़िया हमारे खेतों में आ जाते हैं और चुगते हैं, उसे लगता है उनको कुछ कोई भोजन की आवश्यकता यहाँ पे है, वो तुरंत आते हैं। तो जो अपर लेयर पे हमारे मिट्टी के ऊपरी सतह पर जो बीज होते हैं उसको चिड़िया चूहा वो खा जाते हैं कुछ, और कुछ स्वतः नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम मशीन से बुआई करते हैं तो वो 4 से 5 सेंटीमीटर लाइन बनती है, उसके अंदर बीज जाता है हमारा, जिससे कि चिड़िया चूहा जो है उसको हमारे खा नहीं पाते हैं उसको। और जो हमारा स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट, पौधों के बीच की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, उसको भी मेंटेन करता है हमारा मशीन। और समय की सबसे बड़ी बचत होती है समय की। आज के समय में सबके पास सब कुछ है, समय नहीं है। हमारा किसान भी बहुत आगे हैं, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, देखिए हमारे बहुत ही अग्रेसिव फार्मर्स हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन समय की कमी है। पता लगा किसान के पास समय तो ट्रैक्टर वाला है, मशीन वाला, उसके पास समय नहीं है। तो 1 से 1.5 एकड़ की जुताई आप 1 घंटे में इस मशीन से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मशीन की बुआई होती है उसका जो रेट है वो घंटे के हिसाब से लेते हैं। जैसे हमारा सिंचाई है, सिंचाई का रेट क्या है, सिंचाई का रेट ये होता है कि 1 बीघे 250 रुपये बीघे है, कहीं कहीं बीघे है हमारे उत्तर प्रदेश में घंटे के हिसाब से होता है। 1 बीघे खेत अगर आप 8 घंटे लग गया पानी हो गए। तो ये रही बात समय की, तो अगर आपको वैज्ञानिक खेती करनी है और अच्छे पैदावार लेनी है और कम लागत अधिक उत्पादन, इसका जो मेन उद्देश्य है हमारा कृषि नेटवर्क, किसान भाइयों को बताना चाहूँ, कृषि नेटवर्क का हमारा जो सबसे मुख्य उद्देश्य मिशन है कि हमारा किसान की लागत कम लगे, उत्पादन अधिक हो और जो क्रिया हो वो वैज्ञानिक हो। अगर हमारे बात पते की लिंक को आप पिछले 300 में अगर आप देखना चाहें किसान भाई, मैं एक बार आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, हमारे पिछले 300 को एक बार आप 2 मिनट के लिए देखिएगा। हमने पहले बीज की बात की, बीज का चयन कैसे करें, वैज्ञानिक चयन कैसे करें, हाइब्रिड चयन सर्टिफिकेट सीट कहाँ से लें, कैसे लें। फिर हमने बात की मृदा परीक्षण की और मृदा शोधन की। फिर हमने बात की बीज शोधन की। और आज हम उसी लाइन में, उसी कड़ी में आज से बात कर रहे हैं, बीज लेने के बाद, बीज शोधन करने के बाद बीज को बुआई कैसे करें, उसकी वैज्ञानिक विधि क्या होगी, आपकी जमाव कैसे अच्छा होगा, बीज अच्छा है, बुआई अगर आप गड़बड़ हो गई और अगर आप समान बुआई कर दिए तो बीज कितना भी अच्छा हो, अगर बुआई नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ, जाहिर सी बात है हमारे पौधे कम हुए, तो जाहिर सी बात है पैदावार भी कम। तो उसी कड़ी में देखिए चौथा हमारा एपिसोड है और उसको लाइनअप करके हम आज बुआई की विधि पे बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है और कन्वेंशनल में जो पुरानी पद्धति है तो उसको हमको छोड़ना होगा, छिड़काव विधि को हमको छोड़ना होगा और लाइन सोइंग से हमको अपनाना होगा। और उसके इकोनॉमिक, उसके जो लाभ हैं, हानि हैं, आपके सामने दिखेंगे। किसान भाइयों से मैं कृषि नेटवर्क के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर आप 4 बीघे गेहूँ लगाते हैं तो कृषि नेटवर्क के माध्यम से आप 0.5 बीघे गेहूँ जीरो टिल, फर्टी सीड ड्रिल या सीड ड्रिल मशीन से लगाएं, 3.5 बीघे आप अपने जैसे करते आए पिछले साल या पिछले 10 सालों से वैसे करते आए, आप उसका जमाव प्रतिशत और उसकी पैदावार आप एक डायरी में एक पन्ने में नोट करिएगा। मार्च अप्रैल में फिर आपसे मिलेंगे हम, अगर उससे अधिक 5 से 10 क्विंटल अधिक पैदावार नहीं होगी तो किसान भाई आप कहिएगा कि हाँ आपने गलत जानकारी दी या आपका जो सुझाव था वो गलत था। ये प्रैक्टिकल है, ये आप अपने खेतों में करके देखिए, थोड़े से में ही करके देखिए, शुरुआत ही करके देखिए, 0.5 बीघे में करके देखिए, लेकिन जरूर अपनाइए। जी आशीष जी, बड़ी सही जानकारी दी आपने किसान भाइयों को। अब स्वाति जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नर्सरी लगाएंगे इस टाइम पे किसान, कैसे उन्हें लगानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नर्सरी लगाने के लिए? जी अनुपम जी, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहूँगी। सबसे पहले पौधा तैयार करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो रबी पौधा होता है उसकी नर्सरी में तैयार करते समय उचित सावधानी और उन्नत विधि का प्रयोग नहीं करने पर जो तैयार पौधा होते हैं उसके उत्पादन में काफी कमी आती है। इसलिए किसानों को फसलों के पौधे तैयार करते समय उन्नत विधियों की अपना लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थान का चुनाव कैसे करें। तो
नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए समतल और अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भूमि का चयन करें, जहां सिंचाई की सभी में व्यवस्था और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिले। दूसरी हो गई कि भूमि की तैयारी कैसे करें, तो भूमि की तैयारी करने के लिए गहरी जुताई करें। अच्छे स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी क्षेत्र में 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि की तैयारी करते समय भूमि की ऊपरी सतह में मिलाएं। अब हम बात करेंगे नर्सरी बेड्स को कैसे तैयार करें। तो पौधा तैयार करने के लिए जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई छोटी तैयारियां बनाएं, जो कि 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी आकार की होनी चाहिए। अब हम इसके बाद बीज प्राप्त कैसे करें, कहां से करें, ये बहुत बड़ी समस्या होती है किसान भाइयों के लिए। तो सबसे पहले तो हम उनको ये बताएंगे कि स्वस्थ एवं शुद्ध अनुवांशिक बीज का चयन करें, और उसके लिए किसान भाई उन्नत बीज को प्राप्त करने के लिए बीज कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय और विश्वसनीय चुवास्थान के बीज दुकानों में वहां वहीं से लें। बीज की मात्रा और बुआई का समय क्या होना चाहिए, तो बीज की बुआई का समय जो उचित समय होती है रबी फसलों की, वही उसी समय करें और एक उचित मात्रा में करें। बीज उसके बाद बीज उपचार जरूर करें किसान भाई। बीज उपचार करने के लिए उन्नत किस्म के बीज को नर्सरी में बुआई से 2 से 3 दिन पहले 2 ग्राम कैप्टॉन से प्रति किलो की दर से उपचारित करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि नर्सरी में पौधे की सिंचाई एवं देखभाल कैसे करें। तो नर्सरी में सिंचाई समान रूप से तथा धीरे धीरे, जैसे कि अचानक से एक बहाव में पानी कभी नहीं दें, क्योंकि उस बहाव में पानी देने से क्या हुआ कि मिट्टी जो होती है वो सारी मिट्टी बहाव में निकल जाएगी पानी के बहाव के साथ, इसलिए फुहारे में या स्प्रिंकल के फॉर्म में हमेशा सिंचाई करें। और फिर हम बात करेंगे कि अब हम तैयार पौधे को स्थानांतरण कैसे करें। ये तो इसमें क्या होगा कि पौधे जो होंगे वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर या 4 से 6 पत्तियां जब पौधे में आ जाए तो उसे हम मुख्य खेत में जाकर लगा दें। जैसे कि अगर बात करें तो टमाटर, बैगन या गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उनको 4 से 6 सप्ताह में लगाएं, जबकि प्याज की अगर पौधे हैं तो उनको हम 8 सप्ताह के बाद लगाएं। मुख्य खेत में रोपाई से पूर्व पौधे की जड़ को कीटनाशक या कल्चर बोर्ड में 15 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें और फिर उसकी रोपाई करें। तो इस प्रकार से किसान भाई कुशल नर्सरी प्रबंधन कर अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे एवं अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी स्वाति जी, अब गगन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीज की हमने बात कर ली, बुआई की हमने बात कर ली, तो ज्यादातर बुआई जो होती है सभी बीजों के लिए एक समान होती है। नर्सरी में थोड़ा अलग हो जाता है कि नर्सरी वाली जो सब्जियां हैं वो अलग हो जाती है, पर सारे बीज की बुआई में एक ही तरीका है जैसा आशीष जी ने बताया था। लेकिन आलू एक प्रमुख फसल है हमारे यहाँ, आलू की बुआई कैसे करें, उस बुआई का तरीका क्या होता है? जी धन्यवाद अनुपम जी। जो आलू की बुआई होती है, जो अगर बात करें तो करते हैं किसान हाथ द्वारा लगाते थे आलू, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन तो पहले तो था कि हाथ द्वारा खींच के मशीन बनाएगी, जिसे फार्मर जो होते हैं किसान हाथ द्वारा खींचते और एक आदमी पीछे से आलू डालता रहता था, या फिर उन्हें बैलों के द्वारा करते थे। लेकिन आजकल जो आ गया है पोटैटो प्लांटर आ गए हैं जो ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाते हैं। उसमें क्या पहले जो था पीछे आदमी बैठे होते थे चार, वो अपने हाथों द्वारा उसमें कंद डालते रहते थे आलू के जो बीज होते हैं, और आजकल वो आ गया जो अपने आप उठाता रहता है जो आलू को, एक बार उसमें भर देते ऊपर में और अपने आप उठाता जाता है, जिससे क्या होता है कि एक तो उनके बीज की जो डिस्टेंस है, दूरी है आलू से आलू के बीज की, वो समान रहती है, जिसके बारे में आशीष जी ने भी बताया कि अच्छे से उसकी पैदावार अच्छी होती है और उसकी गहराई है जो समान होती है। जैसा कि अगर हम ऊपर आलू रह जाए, अगर आदमी हाथ द्वारा आलू लगा रहा है तो वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, और अगर ज्यादा गहरा लग गया तो वो उसके उगने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे वो लेट पकेगा। इसकी वजह से हमें अगर आलू पोटैटो प्लांटर का यूज करते हैं तो समान दूरी पे रहता है और गहराई भी समान रहती है, जिससे उसका विकास भी अच्छा होता है और अच्छी पैदावार होती है फार्मर को। जी गगन जी, तो इस तरह से
आलू की बुवाई होती है आजकल। अब आशीष जी, इस सबका सार क्या निकालें हम? जी अनुपम जी, आज हम जो विषय आप लाए हैं कि बुवाई के बारे में बात करने के लिए, तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जैसे कोई नई तकनीकी आती है उसको एडॉप्ट करने में, उसको समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, अपने खेतों में लाने में समय लगता है। वो किसान नहीं, कोई भी नया आदमी हो तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो किसान भाई, उसमें इसीलिए निवेदन ये किया कि जैसे किसान भाई ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बर्निंग टॉपिक है हमारे इंडिया में, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे हमारी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और हमारा कृषि मंत्रालय भी इस पे एक बहुत ही बड़ा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और पूरी तरह से रिप्लेस करने का प्लानिंग है। जो फ्यूचर फार्मिंग सिस्टम है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही, हमारा एग्रीकल्चर जो फ्यूचर है, हो सकता है कि हर जिले में एक क्लस्टर प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए 2 से 3 सालों में। तो इसी तरह जैसे लाइन सोन की बात कर रहे हैं, आज हम ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे हैं, ये पद्धति बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन अगर हमारे किसान भाई नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए एडवांस ही होगा। तो जैसे चना है, गेहूं है, सरसों है, मटर है और गगन जी ने बात की आलू की, तो ये सब की मशीनें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हर जगह कृषि विभाग के में मशीनें उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि 50% और अधिकतम जो रेट होता है उसका सब्सिडी पे उपलब्ध है, आप उसको ले सकते हैं। चना है, मटर है, सबको आप लाइन स्विंग कर सकते हैं। इसमें कहते हैं चने का खेत है या मटर का खेत है, उसके अंदर खेत की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हमें समय नहीं देना है कि 2 से 3 जुताई करनी है। अगर आप मशीन से बोते हैं तो मशीन, अभी किसान भाई देखिए तो मशीन एक चीरा लगाती हो जाती है, अगर आप खेत की जुताई बहुत अच्छी भी नहीं किए हैं तो चीरा लगाती हो जाती है, खाद गिरता रहता है, बीज गिरता रहता है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है, समय, जैसे किसान भाई हमारे अभी धान लगाए हुए हैं उसमें कुछ लेट वैरायटी होती है, जैसे मंसूरी वैरायटी, बासमती वैरायटी, वो लेट होती है, वो दिसंबर तक, कोई कोई वैरायटी ऐसी है जो 15 दिसंबर तक कटती है। अब किसान क्या करेगा, उस खेत में अगर उसको गेहूं लगाना है तो वो इंतजार करेगा जब तक हमारा धान कटना जाए। उस दिशा में हमने इसके पहले भी आपसे बात की थी कि उस दिशा में हम, केस में हम बात करेंगे 0-till से बुआई के लिए, खेत की तैयारी के लिए हमें 15 से 20 दिन का समय नहीं मिल रहा है। तो धान की काटने के बाद 15 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर उसका जड़ रहती है, उसमें आप 0-till से डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। अगर आपके खेत तैयार हो रहा है, तैयार है, तो आप 0-till या सॉरी 40-till से सीड्रिल से आप बुआई कर सकते हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि समय से बुआई और वैज्ञानिक ढंग से बुआई, और तीसरा है कम लागत अधिक उत्पादन। इधर हमारा जो खेत का प्रिपरेशन है, जो बीज ले रहे हैं, बीज दर आप देखिए 20 से 22 किलो प्रति हेक्टेयर आपकी बीज की बचत हो रही है अगर आप मशीन से बुआई कर रहे हैं। और सामान्यतः गेहूं का जो बीज अगर सामान्यतः लगाते हैं तो 38 से 40 रुपये केजी होता है। आप डीएपी का भी रेट देख लीजिए कितना हाई रेट है डीएपी का, यूरिया का, प्लस आप खेत तैयार करते हैं, खेत की जुताई का, सिंचाई का, तो आप कुल मिला के जोड़ेंगे तो आपको 18 से 20 हजार रुपये एक हेक्टेयर में आपकी बचत आएगी। दूसरा, पैदावार आपकी 10 से 12%, 8 से 10% मिनिमम तो बढ़नी है। अगर 5 क्विंटल भी एक हेक्टेयर में अगर बढ़ता है 1000 रुपये रेट से जोड़ लीजिए तो 5 हजार रुपये आपका ये हो गया पैदावार को लेकर, और उधर आपका 10 से 12 हजार बच रहा है, 20 हजार रुपये कुल इसकी जो इकोनॉमिक्स है, 15-20 हजार रुपये आप बचा सकते हैं। और आप समय से बुआई कर रहे हैं, वैज्ञानिक बुआई कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य सर यही है तीन। एक हमारा समय से हम इससे खेती कर सकते हैं, दूसरा है कम लागत अधिक उत्पादन, और तीसरा है एडवांस फार्मिंग, जिसको हम वैज्ञानिक रूप से खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि नेटवर्क आपको हमेशा इस तरह की चीज़ों से आगाह कर रहा है, आपको समझा रहा है, अब हम आपके साथ हैं और इसको अपनाइए और हम आपको आगे इसी तरह से बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। अब ये था पूरा सारांश हमारे आज के टॉपिक का, बात पते की। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि बुआई का सही तरीका क्या है, नर्सरी आप कैसे लगाओ, नर्सरी का रखरखाव कैसे करो ताकि आपका जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले तो मैं जितने एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको धन्यवाद कहता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसान भाइयों को टाइम देने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए। और किसान भाइयों, आपसे एक आग्रह करता हूँ कि हमारी इस पहल को और बढ़ावा दीजिए,
हमारे ऐप पे जाके और सवाल कीजिए ताकि हम आपके पसंद के टॉपिक लेकर इस शो को हम आगे बढ़ाएं। हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अन्य जो किसान भाई हैं उन्हें भी पता चले बुवाई करने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या हो, या वो अपनी नर्सरी कैसे लगाएं, नर्सरी लगाने का सही तरीका क्या होगा, इन सब में उसकी मदद उनको मिले। तो अगले हफ्ते हम मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो आप हमें बताओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि पराली होती क्या है? जो धान की खेती है हमारे देश में पंजाब और हरियाणा में भारी मात्रा में की जाती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में ये फसल हार्वेस्टिंग में आ जाती है, मतलब कटाई के लिए आ जाती है। तो ज्यादातर किसान जिनकी खेती बड़ी पैमाने में होती है तो वो हार्वेस्ट मशीन की सहायता से इसे काटते हैं। लेकिन इस कटाई में क्या होता है, फसल का सिर्फ जो अनाज वाला हिस्सा है यानी पौधे का जो ऊपरी वाला हिस्सा वही काट दिया जाता है, और जो निचला हिस्सा है वो वैसा का वैसा ही रहता है और उसे पराली बोलते हैं। बात पते की, लाख टके की बात पते की।